नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, अभी अभी बिहार बोर्ड ने हिंदी प्रश्न पत्र का पैटर्न जो है यहाँ पर जारी कर दिया है। किस किस चैप्टर से कितने अंक के जो है आप लोग से सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर आप भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो आप लोग के लिए जो है एक प्रश्न का पैटर्न जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है आप लोग इसी के आधार पर जो है आप लोग को तैयारी करना होगा। किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, सारा जानकारी जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है डिटेल में देने वाला हूँ। यहाँ पर नोटिस को घोषित कर दिया है, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि बिहार बोर्ड की पल पल की खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके। डॉट नट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डॉट नट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नट पर। साथ ही डॉट नट पर क्लास 9 से 12 बच्चों के लिए चल रही इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस यानी पूरी पढ़ाई होगी डॉट नट पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डॉट नट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्रश्न का पैटर्न देखिए, कुल अंक जो है 100 मार्क्स का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 50 अंक का होगा, उसके बाद जो है 35 अंक जो है पाठ्य पुस्तक से और 15 अंक जो है व्याकरण से पूछे जाएंगे आप लोग से बोर्ड एग्जाम में। देखिए आप लोग जो है ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलिएगा, इसी के आधार पर जो है आप लोग को तैयारी करना होगा। साफ साफ बता दिया कि 35 अंक का जो है पाठ्य पुस्तक से और 15 अंक का जो है व्याकरण से पूछे जाएंगे, और लिखित परीक्षा जो है 50 अंक के होंगे और व्याकरण से जो है 35 अंक से जो है यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, और अपठित गद्यांश से जो है यहाँ पर 20 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, और निबंध से जो है यहाँ पर 10 अंक के जो है यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि जो है आप लोग का निबंध जो होंगे यहाँ पर 10 अंक के होंगे, और यहाँ पर जो है पत्र या संवाद जो है यहाँ पर 5 अंक के होंगे। यहाँ पर जो है आप लोग को एप्लीकेशन जो मिलते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए हिंदी में पत्र या संवाद, तो यहाँ पर जो है उसमें 5 अंक का मिलेंगे, और लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर 15 अंक का जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे, और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, इनमें 5 का जवाब देना होगा। एक प्रश्न के लिए जो है यहाँ पर 2 अंक जो है आप लोग को मिलेंगे, यहाँ पर जो साफ साफ जो है बता दिया गया है प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। तो इसी के आधार पर जो है आप लोग जो है तैयारी कर पाइएगा। यहाँ पर जो आप लोग को हिंदी का पैटर्न जो है यहाँ पर मैं बता दिया कि पूछे जाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।